वकील अक्सर अपने पेशेवर पोशाक के हिस्से के रूप में काला कोट और हाफ टाई पहनते हैं। यहाँ कुछ कारण बताए गए हैं कि क्यों वकील इस संयोजन को पहनना चुन सकते हैं। एक, व्यावसायिकता। काले कोट और हाफ टाई को कानूनी क्षेत्र में व्यावसायिकता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। वकीलों से अपेक्षा की जाती है कि वे खुद को गंभीर और आधिकारिक तरीके से प्रस्तुत करें और यह पोशाक उस छवि को स्थापित करने में मदद करती है। दो, कोर्ट रूम पोशाक। कोर्ट रूम में आमतौर पर एक औपचारिक ड्रेस कोड होता है और वकीलों से इसका पालन करने की अपेक्षा की जाती है। काले कोट और हाफ टाई का संयोजन अदालत में पेश होने के लिए एक पारंपरिक और स्वीकृत विकल्प है, जो वकीलों को एक शानदार और सम्मानजनक उपस्थिति देता है। तीन, कानूनी पेशे के प्रति सम्मान। काला कोट और हाफ टाई पहनना वकीलों के लिए अपने पेशे और कानूनी प्रणाली के प्रति सम्मान दिखाने का एक तरीका है। ये कानून को बनाए रखने और अपने ग्राहकों को उनकी सर्वोत्तम क्षमताओं से प्रतिनिधित्व करने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। चार, ग्राहक की अपेक्षाएं। ग्राहक अक्सर ऐसे वकीलों की तलाश करते हैं जो पेशेवर और अनुभवी दिखें। काला कोट और हाफ टाई का संयोजन वकीलों के लिए एक पहचानने योग्य और अपेक्षित पोशाक है, जो ग्राहकों में आत्मविश्वास और आश्वासन पैदा कर सकता है। पाँच, पारंपरिक प्रतीकवाद। काला कोट और हाफ टाई लंबे समय से कानूनी पेशे से जुड़े हुए हैं, जो परंपरा, अधिकार और औपचारिकता का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन परिधानों को पहनकर वकील खुद को इस समृद्ध परंपरा और उन मूल्यों से जोड़ते हैं जो इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ड्रेस कोड क्षेत्राधिकार, विशिष्ट कानूनी सेटिंग या वकील की व्यक्तिगत पसंद के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। हालांकि काले कोट और हाफ टाई का संयोजन अपने ऐतिहासिक महत्व और व्यावसायिकता के साथ जुड़ाव के कारण वकीलों के लिए व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त और स्वीकृत विकल्प बन गया है।